खाना आता है उसके सामने तो उसको अपनी माँ की याद आती है, घर वालों की याद आती है, तो वही। अलग सेट ऑफ ऑडियंस है जिसको वो एक एंटरटेनमेंट है, किसी लोगों का, कई लोगों का सीरियल। ये मिक्स सीन है, मतलब जो ध्रुव है, जो डॉक्टर ध्रुव है, वो एक नई सदी में आया, नई सदी में एक्सप्लोर कर रहा है चीज़ें, और एक्सप्लोरेशन के साथ साथ वो बहुत सारी चीज़ें इमोशनल भी हो जाता है अपने घर को लेकर, क्योंकि वो जब सब खाना आता है उसके सामने तो उसको अपनी माँ की याद आती है, घर वालों की याद आती है, तो वही थोड़ा सा बह जाता है अपनी भावनाओं में, और उसके बाद तारा उसकी मदद करती है, उसको खुश करने की कोशिश करती है, बस यही सीन है, लमसम यही सीन है, और ऑडियंस को अच्छा लगेगा। ओके ईशान, इसी के साथ ही गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मुंबई में, सो शूट करने में कितनी डिफ़िकल्टीज हो रही है? शूट करने में डिफ़िकल्टीज ऑफ कोर्स होती हैं, हम सबको होती हैं, मैं हूँ, कोई भी हो, कलीग्स हो मेरे, क्या होता है कि कभी कभी एसी नहीं चल पाता, और हम जैसे आप खुद देखते हैं कि मैंने स्वेटर पहना है ऊपर, तो घबराहट सी हो जाती है कभी कभी बीच में, कि बहुत जब गर्मी लगती है शरीर को, तो बट एनीवे अब हम उसका कुछ कर नहीं सकते, हर चीज़ के यू नो नफा नुकसान दोनों होते हैं, मतलब कि पॉजिटिव साइड भी होती है, नेगेटिव साइड भी होती है, अब मैं नेगेटिव साइड को नहीं देखता हूँ, अगर ऊपर वाले ने की दया से मुझे काम दुआ क्या कह सकते हैं, ऊपर वाले की मेहरबानी अगर मुझ पर हुई है काम के काम को लेकर, तो मैं कोशिश करूँगा बैलेंस करना सीखूँ चीज़ों को, अपने शरीर को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, तो मैं वही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे शक्ति मिले कि मैं गर्मी में भी सख्त से सख्त गर्मी में भी काम कर सकूँ, कुछ ना हो, बट या वो तो होता ही है मौसम का। साथ ईशान, रियलिटी शोज पे कितना बिलीव करते हैं आप, अगर आपको चांस मिलता? मेरा बिलीव ना बिलीव करने का कोई सवाल नहीं है, देखो वो एक अलग सेट ऑफ ऑडियंस है जिसको वो एक एंटरटेनमेंट है, किसी लोगों का, कई लोगों का सीरियल एंटरटेनमेंट है, कई लोगों का मूवी है, कई लोगों का ओटीटी है, कई लोगों का रियलिटी शो है, मैं ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ एवरी थिंग इज़ यू नो द पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बट अगर आप मेरी माने, मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मुझे रियलिटी शोज़ में इतना वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, हालांकि दे आर वेरी नाइस, बहुत अच्छी चीज़ है अगर किसी को भी चांस मिलता है उस जगह पर, लेकिन मैं पता नहीं क्यों खुशी मुझे इधर ज़्यादा होती है, इस एक्टिंग में बहुत मुझे खुशी मिलती है कि रोल हो, कैमरा हो, एक्शन हो, एंड हम अपने किरदार प्ले कर रहे हैं, वो एक अलग ही किक है, अलग ही हाई है, तो या सो अगर बिग बॉस या खतरों के खिलाड़ी में अगर आपको जाने का मौका मिला तो फिर व्हाट विल बी योर रिस्पांस? नहीं, वो क्या रिस्पांस, मैं सिंपल है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड रादर चूज टू डू एनी शो और सीरीज और मूवी।